नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात अगस्त महीना कैसा आप लोगों का बीतेगा, आइए हम समझते हैं। इससे पहले इस मंथ का जो गोचरीय व्यवस्था है इसको समझ लीजिए, और जो न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो नोट कर ले, जो मेरा राशिफल होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, इसलिए इसको लगन के आधार पर ही देखिएगा। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो आप हमारे नीचे दिए गए कुंडली एक्सपर्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर, इस ऐप को, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और अपना जब आप बर्थ डिटेल उसमें एंटर करेंगे तो आपको लगन भी बता देगा कि आपका लगन क्या है। या कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू को डाल दीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और आपको आपका एसेंडेंट या लगन पता चल जाएगा। नए दर्शकों को एक बार और मैं बता दूँ, जो लगन होता है वो हम खुद होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अननोन किसी पर्सन की कुंडली मेरे पास आती है तो उसका जो लगन है मतलब वो खुद है, और उसके बारे में मुझे जानकारी देखना है तो लगन कुंडली का ही महत्व है। उस समय चंद्र कुंडली नहीं देखा जाता है, क्योंकि चंद्र कुंडली मन को बताता है, सूर्य कुंडली कॉन्फिडेंस को बताता है, लगन कुंडली आपको बताता है। तो लगन के आधार पे ही देखना चाहिए, और लगन फल इसीलिए मैं बताता हूँ। इस महीने वैसे तो त्योहारों का मौसम है, 3 अगस्त को रक्षाबंधन होगा और बाकी भी एक के बाद एक त्यौहार आते जाएंगे। 5 तारीख को श्री राम जन्मभूमि पूजन भी है, और इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिवस और भी बहुत सारे फेस्टिवल इस महीने पड़ने वाले हैं। ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो कुछ प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं और मंगल की बात करते हैं। एक राजा और एक सेनापति, दोनों का राशि परिवर्तन 16 अगस्त को होगा, जहां पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन सिंह राशि से ये चेंज कर कर्क से चेंज करके ये सिंह में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो सेनापति हैं अर्थात मंगल, वो मीन से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। तो इस प्रकार राशि परिवर्तन राजा का और सेनापति का होगा। इसके अलावा 2 और प्लैनेट है जिसमें शुक्र का राशि परिवर्तन 1 अगस्त को ही होगा, और ये अपने स्वराशि क्षेत्र अर्थात शुक्र का जो अपना घर है जिसमें ये पंच महापुरुष योग बनाए थे मालव्य नाम का, वहाँ से ये निकलकर, वृषभ से निकलकर ये मिथुन में पहुँचेंगे, और केवल 17 दिनों के लिए ये मिथुन में रहेंगे, और 17 दिन के बाद ये पुनः कर्क में आ जाएंगे। और कर्क में जब ये पहुँचेंगे उस समय सूर्य का राशि परिवर्तन कर्क से सिंह में हो चुका होगा। अब बुध का राशि परिवर्तन देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन 2 अगस्त को हो रहा है, और 2 अगस्त को ये राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके ये कर्क में चले जाएंगे, और कुछ ही दिनों के बाद इनका पुनः राशि परिवर्तन होकर ये सिंह में पहुंच जाएंगे। 16-17 अगस्त के आसपास इनका फिर राशि परिवर्तन होगा, और ये पुनः पंचम में, या आप ये कहिए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ग्रहों का मूवमेंट लगातार चेंज होगा, और इस महीने में गुरु, केतु, शनि ये अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु भी मिथुन में रहेंगे, गुरु केतु धनु में और शनि मकर में रहेंगे। तो मेजरली देखा जाए तो 4 प्लैनेट जो हैं, यानी राजा, सेनापति, दैत्य गुरु शुक्र, और साथ में जो कुमार कहा जाता है बुध, इन सभी का राशि परिवर्तन होगा। और बाकी प्लैनेट्स जिनका मैंने बोला, जैसे चंद्रमा है, इसका तो राशि परिवर्तन हर दिन एक नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, और 2.25 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। तो एक ये बेसिक की चीज़ें थी जो सभी को जानना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर लगन वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा।
तो अब हम तुला लगन की बात करेंगे। तुला लगन का ये अगस्त महीना कैसा बीतेगा? तो सबसे पहले देखें, तुला लगन का जो लग्नेश है वो शुक्र होता है, और शुक्र इस समय आपके लगन से अष्टम में था। देखिए, तुला लगन में एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, अष्टमेश का दोष जो होता है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक भी आपका लग्नेश होता है। 1 अगस्त को अर्थात आज ये अपना राशि परिवर्तन करेगा, और राशि परिवर्तन करके ये आपके लगन भाव से नवम में चला जाएगा, और जैसे ही नवम में जाएगा अपनी मित्र राशि में जाएगा। लग्नेश का भाग्य में जाना अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए जातक जो होगा, जो भी तुला लगन वाले हैं, उनका भाग्य जो काफी पिछले कई दिनों से साथ नहीं दे रहा था, वो अब साथ देने के लिए रेडी है। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ाएगा, और साथ में देखा जाए तो ये 17 अगस्त के 16 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करेगा, 17 अगस्त को पुनः राशि परिवर्तन करेगा, और ये आपके लगन से दशम में चला जाएगा और चंद्रमा की राशि में जाएगा। हालांकि चंद्रमा से शुक्र की कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन अपने न्यूट्रल प्लैनेट होने के कारण वो जब चंद्रमा की राशि में जाएगा तो कहीं पर जल तत्व वाले एरिया में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएंगी। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको जॉब भी इसी ड्यूरेशन में मिलेगी, और ये टाइमिंग जो रहेगा 17 अगस्त के बाद का टाइम रहेगा। 17 अगस्त से पहले, आज से लेकर 17 अगस्त तक कोई भी काम भाग्य के भरोसे करते हैं तो गोचर में 50% तो कम से कम ये फलित तो होना तय है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा आपकी लगन कुंडली से होगा, क्योंकि गोचर में केवल 50% हम लोग फल देखते हैं। अब बुध की बात करते हैं। देखिए, बुध अभी तक तो आपके भाग्य में बैठा हुआ था, भाग्य का स्वामी भाग में बैठा था, लेकिन राहु के साथ इसने कंजुगेट किया हुआ था। अब ये भाग्य का जो स्वामी है ये निकल के आपके दशम स्थान पर 2 अगस्त को पहुंच जाएगा, और जैसे ही ये 2 अगस्त को अपने लगन से दशम स्थान पर रहेगा, तो ऑलरेडी हर वीडियो में भी बता चुका हूँ कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा बुध को कभी शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। इसलिए चंद्रमा के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुध अपने शत्रु क्षेत्र में जाएगा, और जब शत्रु क्षेत्र में जाएगा और भाग्य का मालिक है, तो भाग्य से कर्म तो बनेंगे, लेकिन थोड़ी कठिनाइयों के बाद अगर आप जॉब या इंटरव्यू या नए रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही, लेकिन काम बनेगा। इसका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को ये आपके लगन से एकादश में चला जाएगा। एकादश में जाने से अपने मित्र की राशि में जैसे पहुंचेगा, इनकम के नए स्रोत आपके लिए ओपन हो जाएंगे, इनकम के नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे, और बड़े भाई बहन बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि अपने मित्र राशि में गया है और द्वादशेश भी आपकी लगन कुंडली में बुध होता है, इसलिए द्वादश यानी बाहरी संबंध जो होंगे, आपके मित्र दोस्त या कोई भी आपके जानने वाले जिनको बाहरी संबंध कहा जाता है, वहाँ से कुछ अगर आपका कांटेक्ट बनता है तो उनके थ्रू जॉब मिलना, उनके थ्रू इनकम के साधन को बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, ये आपके लिए होने वाला है, जो कि इस 17 अगस्त के बाद से कंडीशन जो बन रही है, जब ये सिंह में रहेगा तो बुध आपको इसी प्रकार का फल देगा, जो कि अपने आप में एक अच्छा मानूंगा मैं। शुक्र
बुध के बाद अब सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य अभी भी आपके लगन कुंडली में लगन से दशम स्थान पर है अपनी मित्र राशि में, लेकिन लग्नेश से इसकी शत्रुता है। लेकिन इस लगन में सूर्य की बहुत ज्यादा शत्रुता नहीं होती है। अगर शत्रुता होती तो दशम स्थान जैसा बढ़िया घर सूर्य को नहीं मिला होता है। तो एक न्यूट्रल ही मैं मानता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति आपके कर्म स्थान के लिए अच्छा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे वो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा हो या शुक्र का हो रहा है या सूर्य का हो रहा है, इस बार जॉब के लिए जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ बीतने वाला ये महीना होगा। निश्चित रूप से कहा जाए तो इस महीने कहीं ना कहीं से आपको जॉब मिल जाएगी और गोचर में 50% तो ये करेगा ही। 100% तो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पे भी डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आप जो नीचे दिए गए लिंक में जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ फीचर इसमें और इनेबल हो रहे हैं, जिसमें ट्रांजिशन के साथ साथ आपका लगन कुंडली, क्योंकि आपका बर्थ डिटेल, और ये अभी केवल पेड क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है या उन क्लाइंट्स के लिए जो फ्री सेशन में, महादेव फ्री सेशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी पेड क्लाइंट के समतुल्य हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो कस्टमाइज राशिफल अब मिला किया करेगा। आपके मेल पर या मोबाइल ऐप पर आपको कस्टमाइज राशिफल भी मिलेगा। तो अब बात करते हैं अगले प्लेनेट की। तो सूर्य का अभी पूरा नहीं हुआ, सूर्य 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके अपने घर में चला जाएगा। एकादश का मालिक एकादश में जाएगा, इनकम के स्रोत को निश्चित रूप से बढ़ाएगा। अब हर बार अगर देखा जाए तो इनकम के स्रोत यानी फाइनेंस की जो बात, जो काफी दिनों से परेशानियां थी, वो सब अब खत्म होने वाली है। लेकिन इसकी सात्विक दृष्टि जो रहने वाली है, सूर्य की जो सात्विक दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन भाव से सप्तम स्थान पर अपने शत्रु राशि पर पड़ेगी। शत्रु राशि पर पड़ेगी और लग्नेश से भी शत्रुता, या लग्नेश से कहा जाए कि इस लगन में लगभग लगभग न्यूट्रल माना जाता है, तो लग्नेश से शत्रुता या सम प्लेनेट होने के बाद जब ये अपने परम शत्रु को देखेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर निगेटिव असर देगा। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके गर्भ हानि का योग यहाँ पर निश्चित रूप से बनाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपके उदर संबंधित कुछ प्रॉब्लम करेगा, यानी जो पेट में रहेगा, पेट में गर्मी ज़्यादा हो सकती है अगस्त के महीने में, वो भी 16 अगस्त के बाद का जो टाइम होगा वो सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं बीतेगा सूर्य के कारण केवल। अब गुरु केतु की जो स्थिति है वैसे ही आपके पराक्रम स्थान पर बैठा हुआ है, और केतु की स्थिति आपको, क्योंकि केतु एक सेपरेटिंग है, मोक्ष देने वाला है, तो थोड़ा छोटे भाई बहनों से अलगाव करा सकता है। छोटे भाई बहनों से अलगाव करना, कॉन्फिडेंस में कमी करना, ये सब चीज़ें आपका तुला लगन वाले जातकों के लिए करेगा। शनि के लिए ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सुख का मालिक सुख में बैठा है, तो सुख में कोई कमी नहीं करेगा। भूमि, वाहन, मकान, ये सब भी चीज़ें ये आपके लिए बनने लगेंगी। तो ये काफ़ी बढ़िया मंथ ओवरऑल देखा जाए तो सिंह तुला लगन वाले जातकों का ये जाएगा। अब हम संक्षेप में देखें कौन कौन सी तिथियां आपके लिए अच्छी आ रही हैं। तो 3 अगस्त, 5 अगस्त, 11 अगस्त, 21 अगस्त और 27 अगस्त आपके लिए जनरली कहा जाए तो एक अच्छी तिथियां होंगी। जो खराब तिथियां होंगी जिसमें कोई काम अभी नहीं करना चाहिए, वो 4, 8, 12, 17 और 25, ये तिथियां जो होंगी लगन के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं मानी जाएंगी। तो संक्षेप में कहा जाए तो करियर के लिए बहुत बढ़िया महीना होने वाला है, लेकिन प्रेम प्रसंग में कुछ अलगाव सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कुछ कठिनाइयों भरा हफ्ता होगा, महीना होगा, और कठिनाई के बाद भी आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात जो मंगल की बात किया जाए, एक और जो प्लेनेट बचा था मंगल, मंगल अभी तक आपके लगन से कहाँ पर थे, छठवें घर में थे, रोग, ऋण, शत्रु,
और वहाँ पर अपनी मित्र राशि में बैठे हुए थे। लेकिन इसका अभी भी अगस्त में ऐसा नहीं है कि आज से राशि परिवर्तन मंगल का हो रहा है। मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन से सप्तम स्थान पर होगा, लेकिन 16 अगस्त को होगा। तो 16 अगस्त से पहले मंगल कुछ और फल देगा और 16 अगस्त के बाद कुछ और फल देने वाला है। 16 अगस्त से पहले जो ये मंगल है अपने मित्र राशि में बैठने के कारण रोग को भी बढ़ाएगा, ऋण को भी बढ़ाएगा और शत्रु को भी बढ़ाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लगन से शत्रुता है तो बढ़ाने वाली जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम रहेगी। और वैसे भी क्रूर प्लैनेट जब 6, 8, 12 में होते हैं तो उनका प्रभाव वो वहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, और इस कारण से जो छठवां घर है कुंडली का वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ये क्रिएट करने को तैयार है। इसलिए अभी भी रोग, ऋण और शत्रु को मित्र राशि में जाने के कारण बढ़ा सकते हैं। वैसे लगन से शत्रुता है तो ओवरऑल थोड़ा फ्लक्चुएशन सा रहने वाला है, लेकिन सप्तम स्थान पर जैसे ही मंगल पहुंचेंगे अपने मित्र राशि में, अपने स्वक्षेत्री हो जाएंगे, अपने घर में चले जाएंगे, जैसे ही अपने घर में जाएंगे वैसे क्या होगा, वैसे ही सबसे पहली चीज पंच रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, और पार्टनरशिप में अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तो उस काम को बढ़ाएंगे। आपके दैनिक रोजगार के लिए ये अच्छा सिद्ध होंगे। पति पत्नी के बीच में जो संबंध होगा वो अच्छा होगा, लेकिन निगेटिव इफेक्ट क्योंकि सातवीं दृष्टि जो है अपने शत्रु पर पड़ रही है और लगन पे पड़ रही है तो गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, तो गुस्से की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो ये हफ्ता निश्चित रूप से अच्छा बीतने वाला है, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। और वैसे भी मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है अपने मित्र पे पड़ रही है तो जॉब के लिए अगेन यहाँ पर हर प्लेनेट रेडी बैठे हैं, तो मंगल लगन वाले जातकों के लिए ये जॉब का, जिनको जॉब का खतरा था उनका जॉब का खतरा टल जाएगा, जिनकी जॉब चली गई है उनके जॉब मिलने की संभावना बढ़ेगी और ये 17 अगस्त के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये था तुला लगन वाले जातकों का अगस्त महीना कैसे बीतने वाला है। अब जाते जाते एक सूचना भी दे दूं कि महादेव जी की कृपा से हम लोगों ने, यानी कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने महादेव लाइव सेशन स्टार्ट किया। पहले हम फ्री सेशन देखा करते थे 15 तारीख को या 25 तारीख को, किसी एक तारीख को यानी डेट को हम लोग 1 घंटे का प्रोग्राम चलाते थे और उसमें चेक करते थे। अब हफ्ते में हर रविवार को, हफ्ते के हर रविवार को रात्रि 8:15 से लेकर 8:45, 8:15 से लेकर 8:45 PM ये लाइव सेशन होता है, और इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजिंग की है। एक तो ऑडियो कंसल्टेशन होता है, जो मैं बात करूंगा तो उसका लाइव सीधा प्रसारण होगा और सीधा जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी उसमें आपसे डायरेक्ट मैं टेलीफोन पे बात करूंगा, और बाकी जो लोग, जिन लोगों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया है उन्हीं के कॉल फिल्टर होकर मेरे पास आएंगे, इसलिए मोबाइल ऐप को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। आने वाले समय में मेरा वादा है कि इसमें ऐसे ऐसे फीचर मैं एप्लीकेबल कर दूंगा जो आम जनता के लिए भी अच्छा रहेगा और पेड यूज़र के लिए भी अच्छा रहेगा, और ये ऐतिहासिक ऐप बनेगा, आज नहीं तो कल इसको बनना है। अभी इस इनिशियल फेज में वर्जन 1.2 तक आ चुका है, कुछ ही दिन में वर्जन 1.3 रिलीज हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।